नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 14 अगस्त 2023 की सुबह 9:42 पर माननीय जो अतुल प्रसाद जी हैं, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दें या ना दें, उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक ट्वीट जो है वो किया गया। इस ट्वीट में इन्होंने कहा कि जो परीक्षा को रोकना है, होल्डिंग टीआरआई मैंने बताया था, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो उस परीक्षा को रोकना या समय पर कराना, और साथ ही साथ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। डिस्क्वालिफिकेशन क्या मतलब कि छात्र जो हैं, जैसे बीएड अभ्यर्थी हैं, तो उनको अगर हटाया जाए तो वो, और साथ ही साथ परीक्षा को रोकना, ये दोनों चीजें अलग अलग है, मतलब दोनों को आपस में मिक्स मत कीजिए। फिर आगे इनके द्वारा ये भी बताया गया कि व्हाइल द फॉर्मर इज सो फार अनअफेक्टेड बाय द रिसेंट ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अभी तक जितनी भर्तियां हो चुकी हैं उनकी बात करते हैं, या जो अभी वर्तमान में चल रही है उसकी बात करते हैं, तो वो आपका रिसेंट जो ऑर्डर आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उससे जो भी भर्ती है वो अनअफेक्टेड रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ये भी कह सकते हैं अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। परंतु आगे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगाने के बाद क्या लिखा है, द सेम कांट बी सेट फॉर द लेटर, पर यही स्थिति आगे भी रहेगी ऐसा मैं यहां पर नहीं कह सकता। मतलब कहने का अगर मतलब इनका निकाला जाए तो यह है कि अभी जो भी अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो, मेन तो बीएड अभ्यर्थी की बात ही हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात हुई है, तो उन्हीं को लेकर के बात की गई कि अभी तो आप परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिसेंट ऑर्डर जो है उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, परंतु यही स्थिति क्या आगे भी रहेगी ऐसा यहाँ पर जो है वो नहीं कहा जा सकता। और आगे भी इन्होंने लिखा है कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी एजम्पशन बनाते हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो वो खुद चाहते हैं उसको लेकर के वो सोच लें, मतलब फैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए, जो भी एजम्पशन बनाते हैं उसको लेकर के यहाँ बात की गई है। तो ओवरऑल अगर इस ट्वीट को समराइज करें तो कहने का मतलब यही है कि परीक्षा रोकने के संदर्भ में बीएड अभ्यर्थियों को रोका नहीं जाएगा, परीक्षा देंगे, पर एक बात को अपने दिमाग में जरूर सोचिएगा परीक्षा देने से पहले कि यदि आपने जो फॉर्म भरा है वो सीटेट के आधार पर भरा है और सीटेट का सर्टिफिकेट ही रद्द ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि सीटेट के सर्टिफिकेट में क्लियर लिखा हुआ है नीचे कि जो रिजल्ट होगा बीएड कैंडिडेट का वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा, जब वही रद्द हो गया होगा तो ये आपका पेपर कराने का फिर क्या मकसद रह गया। अब आप सोचेंगे अगर वो रद्द हो गया तो फिर ये परीक्षा करा ही क्यों है, तो इसका कारण आपको खुद से सोचना चाहिए कि क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये चीज यहाँ बोलने वाली नहीं है। ये चीज मैंने कल कमेंट में बताई भी थी, किसी ने कमेंट में पूछा था कल वाले वीडियो में। तो बाकी आपने जो यहाँ पर आवेदन किया था इस नोटिफिकेशन में भी देखेंगे बीपीएससी वाले में, तो वही 2018 का एनसीटीई का नोटिफिकेशन को लेकर के ही आपने आवेदन किया था, वो भी रद्द हो चुका है, तो आखिर किस आधार पर ये परीक्षा कराई जा रही है आप खुद से सोच कर देखिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि जाना चाहिए नहीं इन सब चीजों के बावजूद भी, तो अगर आपके लिए जो वहां पर खर्चा होगा, 2 दिन रुकने का, आने जाने का पैसा, वो मायने नहीं रखता है, आपको लगता है कि नहीं हमने तैयारी की, अपने आप को चेक करना चाहते हैं, ये सारी चीजें अगर आपके मन में आ रही तो आप दे सकते हैं पेपर। दूसरी चीज, आपको लगता है कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कल को ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई ना कोई कानून बना करके बीएड अभ्यर्थियों के हित में कोई ना कोई काम करेगा, ऐसी सिचुएशन अगर आपको लग रही है आगे चल के भविष्य में, तो आपको पेपर देना चाहिए। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला आपको ही लेना है, क्योंकि 2 दिन जाना दूर है, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनका भी सेंटर सेल्फ नहीं बनाया गया, तो उनको भी जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें देख करके फिर जो भी डिसीजन है वो लीजिएगा। बाकी बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से क्लियर तरीके से आपको कह दिया गया है कि आप परीक्षा दे सकते हैं। तो यही था हमारे इस अपडेट में, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।